वेलकम बैक। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिपेरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड ट्रिएजन। हमें पता करना है कि इन तीनों में से ग्रिगनार्ड ट्रिएजन किसमें हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देखो, पहला ऑप्शन है CH3CH2Cl। तो ग्रिगनार्ड ट्रिएजन के प्रिपेरेशन के लिए क्या चाहिए? अल्काइल हैलाइड चाहिए। क्या चाहिए? अल्काइल हैलाइड। और क्या चाहिए होता है? मैग्नीशियम मेटल चाहिए होता है। सॉल्वेंट क्या चाहिए होता है? ड्राई ईथर चाहिए होता है। तो इसमें देख क्या रहे हैं इस वाले सबसेट में कि इसमें हम लोग को मिल जाएगा हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सो इन दिस हम लोग को ग्रिगनार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ क्लोरीन है तो ये भी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ मैग्नीशियम है जो मेटल चाहिए हम लोग को। सॉल्वेंट क्या है? ड्राई ईथर है। तो हम लोग को लगता है यहाँ अल्काइल हैलाइड है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ ड्राई ईथर है, तो बनना चाहिए रिएजेंट हमारा, बट यहाँ नहीं बनेगा। देखो, मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट करना है? मैग्नीशियम को यहाँ पर रिएक्ट करना है। मैग्नीशियम यहाँ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम यहां रिएक्ट करेगा। देखो, मेटल मैं चाहता हूं इससे रिएक्ट कराए, तो मेटल के सामने आप कहीं से भी H+ लाके नहीं रख सकते। मेटल्स क्विकली रिएक्ट विद H+। यहां हाइड्रोजन प्लस क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? देखो, कहीं भी अगर आपको OH दिख जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इजीली O- और H+ में कन्वर्ट होता है। OH में से H जो होता है आसानी से लूज हो सकता है, तो दिस विल गिव यू O- एंड H+। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप मोस्ट ऑफ द एसिड देखिए, मैं H3PO4 वाला देखता हूं। देखो, यहां पर ये H है ना, आसानी से H+ में कन्वर्ट हो सकता है। कहीं पर भी OH होगा, कहीं पर भी, मैं बता रहा हूं, तो वो H कैन बी इजिली लॉस्ट एट H+। तो यहां पे OH है, ये H+ की तरह आसानी से लूज कर सकता है, और साथ में क्या रखा हुआ है? मेटल। मेटल क्विकली रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन। ये H+ क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन ही बोलते हैं ना इसको। सो दिस इज आवर एसिडिक H। दिस मैग्नीशियम मेटल विल क्विकली रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम यहां रिएक्ट करेगा, ना कि यहां रिएक्ट करेगा, तो इस केस में हम लोगों को नहीं मिलेगा ग्रिगनार्ड रिएजन। यहां देखते, यहां तो अल्काइल हैलाइड है ही नहीं, तो ग्रिगनार्ड रिएजन के लिए अल्काइल हैलाइड आपको चाहिए, वो तो है नहीं। पर क्या दिया हुआ? दो दो एसिडिक हाइड्रोजन दिए हुए, तो मैग्नीशियम मेटल इनसे रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ना कि आपके लिए ग्रिगनार्ड रिएजन प्रिपेयर करेगा। तो ये भी पॉसिबल ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है, अल्काइल ग्रिगनार्ड रिएजन का अगर सिंथेसिस करेंगे तो अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम मेटल, ड्राई ईथर होने चाहिए, बट देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन मस्ट है, एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा? एनी हाइड्रोजन विच कैन बी लॉस्ट एज H+। आपको ध्यान रखना है, OH में अगर OH का जो H होता है वो आसानी से H+ की तरह लूज होता है।